क्वेश्चन टू में हमें बताना है कि जो gx दिया हुआ है वो px का फैक्टर है कि नहीं, ये बताना है। तो बहुत ही आसान है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते वैसे ही सॉल्व करना है। तो x प्लस वन को हम जीरो के इक्वल कर देंगे। देखो x प्लस वन को ऐसे, देखो x प्लस वन को हमने जीरो के इक्वल किया तो यहाँ से x क्या आया, माइनस वन, है ना। अब इस माइनस वन को हम जो gx की वैल्यू है ना, x की वैल्यू माइनस वन आई, तो माइनस वन को हम इसमें उठाकर पटक देंगे। अगर यहाँ ये जीरो अगर दे देता है, अगर ये जीरो देता है तो ये इसका फैक्टर हुआ, अगर जीरो नहीं देता है तो नहीं हुआ, है ना, बात खत्म यही हो जाएगी। तो टू एक्स की जगह माइनस वन, माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स की जगह माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू में माइनस वन, माइनस वन, है ना, एक्स की जगह माइनस वन रखना है। तो माइनस वन का क्यूब तो माइनस होता है ना, माइनस वन का क्यूब कितना होता है, माइनस वन, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस टू प्लस वन, वन माइनस वन का स्क्वायर वन, फिर देखो माइनस टू इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस का टू, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वन पहले से लिखा हुआ है। माइनस टू ने प्लस टू को मार दिया, माइनस वन ने प्लस वन को मार दिया, कितना आया जीरो, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। तो जीरो तो अगर जीरो आ गया इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया इसको, है ना, इसने खुश कर दिया इसको जीरो लाके, तो इसका मतलब ये तो फैक्टर हुआ। तो ये लिखेंगे यस, पूछा ना कि जी एक्स फैक्टर है कि नहीं पी एक्स का, हाँ है, क्योंकि जीरो आया है ना, क्या आया रिमाइंडर, जीरो, इसीलिए यह है, लिखेंगे यस। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले में उसी तरह एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल किया तो यहाँ से एक्स आ गया माइनस टू, है ना, और इस माइनस टू को उठा के एक्स की रख देंगे, तुम रख रहे हैं माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स की जगह माइनस टू रखो, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू का क्यूब होता है माइनस एट, है ना, माइनस लगा तो इसलिए माइनस टू का क्यूब एट, प्लस टू का स्क्वायर होता है फोर, देखो थ्री इंटू में टू का माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, ये आ गया प्लस, है ना, प्लस वन तो पहले से लिखा हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब ये माइनस एट और फोर थ्री जब कितना होता है ट्वेल्व, माइनस सिक्स पहले से लिखा है प्लस वन, अब इसको सॉल्व करना है। देखो माइनस एट माइनस सिक्स कितना होता है, पहली बात तो माइनस लगेगा, माइनस एट और दोनों ऐड हो जाएंगे ना, दोनों जगह माइनस है, तो एट प्लस सिक्स कितना होता है फोर्टीन, है ना, फोर्टीन, ट्वेल्व प्लस वन कितना होता है थर्टीन, है ना, ये ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस फोर्टीन प्लस थर्टीन कितना हुआ माइनस वन, है ना, बड़े वाले साइन को देखते हैं, फोर्टीन बड़ा है थर्टीन से इसीलिए इसका साइन लगाया जाएगा माइनस, माइनस वन, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया इसीलिए ये फैक्टर नहीं है, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है, लिखेंगे नो, ठीक है। उसी तरह एक्स माइनस थ्री को थर्ड वाले पार्ट में, एक्स माइनस थ्री को जीरो के इक्वल कर देंगे, यहां से एक्स आ जाएगा थ्री, अब इस थ्री को उठाकर पटक देना है एक्स की जगह, है ना, तो थ्री का क्यूब एक्स की जगह थ्री रख रहे हैं, थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू एक्स की जगह थ्री रखो, थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह थ्री, थ्री प्लस सिक्स पहले से लिखा है, थ्री का क्यूब कितना होता है ट्वेंटी सेवन, है ना, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, फोर इंटू थ्री, देखो फोर इंटू में थ्री का स्क्वायर होता है नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स, अब देखो ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, है ना, प्लस थ्री प्लस सिक्स होता है नाइन, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन थर्टी सिक्स, ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन कितना होता है थर्टी सिक्स, माइनस में थर्टी सिक्स पहले से लिखा है, थर्टी सिक्स ने थर्टी सिक्स को मार दिया, बचा जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया इसीलिए इसका फैक्टर है, लिखेंगे यस, है ना, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, लिखा है यस, ठीक है।